एक गिलास। अच्छा, तीन लोग तीन ही जगह से हैं है? और तीनों जगह आलू बहुत अच्छा होता है, आगरा में खंदौली में भी बहुत अच्छा होता है आलू, और शाहजहाबाद में भी होता है आलू बहुत अच्छा, और इनके इगलास में भी बहुत अच्छा आलू होता है। तो यहाँ कैसे आना हुआ आज? नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र पथरिया, आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूँ इस समय आलू मंडी सातनपुर फरुखाबाद में, और ये हमारे साथ आज कुछ आगरा के लोग हैं और इनसे बात करेंगे। आलू का भाव तो ले ही लेंगे, अभी आलू का भाव लेते रहेंगे, और ये लोग आए हैं किस लिए आए हैं तो इनसे जरा बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है अपना? मेरा नाम है गजेंद्र। गजेंद्र आगरा में कहाँ से है भैया? खंदौली। खंदौली? जी जी जी, राकेश चौधरी, शाहजहाबाद। शाहजहाबाद? अच्छा, ये आगरा शाहजहाबाद से है, ये खंदौली से। भैया आप कहाँ से है दादा? इगलास। मास्क थोड़ा नीचे कर लो तो उसे हाँ आवाज आएगी, वैसे आवाज नहीं आएगी। बड़ा इगलास। इगलास? अच्छा, तीन लोग तीन ही जगह से हैं है? और तीनों जगह आलू बहुत अच्छा होता है, आगरा में खंदौली में भी बहुत अच्छा होता है आलू, और शाहजहाबाद में भी होता है आलू बहुत अच्छा, और इनके इगलास में भी बहुत अच्छा आलू होता है। तो यहाँ कैसे आना हुआ आज? यहाँ देखने आए थे मंडी में क्या स्थिति चल रही है, कैसा आलू है। तो हम एक उड़ान कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, तो उस पर्पज में देखने आए थे आलू की क्या रेट है। तो वो लोग क्या आलू खरीद करते हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, तो उसकी सर्वे के लिए निकले थे या उनके लिए खरीदने के लिए निकले? खरीदारी के लिए। कंपनियों में आलू भेजना है तो क्वालिटी देखनी, क्वालिटी देखनी कैसी होती है। मगर यहाँ आकर ये पता चला कि स्टोर ज़्यादा हो रहा आलू छिला, और आलू भी स्टोर लायक नहीं है, जो छिला आधा कच्चा है आधा पक्का है। हाँ, अभी पके ही नहीं है आलू, अभी पके ही नहीं है जी। और ये स्टोर, हाँ, ये रेट भी हाई चल रहा है, जो कि अभी उस लायक आलू नहीं है स्टोर लायक। अब लेकिन जो लोग ले रहे हैं तो वो तो मतलब वो पता नहीं क्या समझ के ले रहे हैं, या उनको आगे की तेजी दिख रही कि क्या होगा। अच्छा, इस हिसाब से तो जो 80% आलू बिकने वाला वो तो स्टोर में चला जा रहा, मंडियों में आलू नहीं जा पा रहा। मंडी का रेट है नीचे और कोल्ड स्टोर का रेट है बहुत ऊंचा। मंडी का रेट चल रहा है, मान के चलो राजस्थान की हर जगह मंडी है 7 रुपए से 8 रुपए की पोजीशन, 8.5 रुपए की पोजीशन। हरियाणा भी 7.5 से 8 रुपए की पोजीशन। आजादपुर मंडी भी 9 रुपए 8.5 रुपए बिक रही है जी। और मंडी में रेट चल रहा है 9 रुपए से 9.5 रुपए से लेकर 10.5 रुपए तक की पोजीशन है आपकी फरक्काबाद मंडी। तभी चालानी वालों को पड़ता नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं, कोई पड़ता नहीं, पड़ता नहीं मंडी का, कोई पड़ता नहीं। चालानी की लोडिंग भी कम हो रही है इसीलिए, और तो आलू आप जो यहाँ से लेना चाह रहे थे आलू, तो आपके यहाँ मतलब तीनों एरिया में शाहजहाबाद में भी बहुत अच्छे एरिया में 1 तारीख से 1 मार्च से होगी। अच्छा, इस वजह से लेट है, इसलिए हम लोग मंडी विजिट के लिए। हमारे यहाँ कच्चा आलू नहीं खुदता जी जी, खंदौली में, खंदौली में तो मान के चलो 25 तारीख से खुदाई स्टार्ट हो जाएगी। अभी बारिश हो गई थी जी, तो मान के चलो 1 तारीख से भरपूर खुदाई लग जाएगी मार्च से। अच्छा, हाँ आपके यहाँ तो सब वही बिल्कुल कच्चा बिल्कुल ही नहीं खुदते। 97 में आलू ज्यादा होता है जी, एक ग्लास में होता है चिपसौना और सूर्या, और 37-97 जी। तो आपकी कंपनी भी खरीद की कोल्ड करती होगी? जी जी, इस बार स्टोर करेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा करेंगे। अच्छा, क्यों इस बार क्यों ज्यादा? सर हम लोग अपना स्टॉक कर लेते हैं, उसी बेस पे हम कंपनियों को सप्लाई करते हैं। हमारा बिग बास्केट ब्लैंस है जी, और बहुत सी कंपनियों में कंपनी जाता है। पिछले साल भी खरीदा था उन्होंने, पिछले साल भी स्टॉक खरीदा था, हर साल करती है। क्योंकि कंपनी के जगह जगह वेयर हाउस होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मुंबई में भी है, दिल्ली में है, और साउथ में, बेंगलोर में। तो हमको खुद आलू चाहिए, जैसे मान के चलो किसी वेंडर से आलू ले रहे हैं तो वेंडर नहीं लोड कर पा रहा है, तो हम अपना आलू गाड़ी लोड करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो बेयर हाउस पे आलू की जरूरत रहती है। अच्छा, अभी पैकिंग होती है हमारी 5 किलो की 5 किलो 10 किलो की। अच्छा, मतलब छोटी छोटी मॉल के हिसाब से पैकिंग कर, मॉल के हिसाब से पैकिंग करते हो? यहाँ पे 50 किलो की पैकिंग करते हैं लोग, और वहाँ पे मतलब ग्राहक की सुविधा के हिसाब से 5 किलो की 20 किलो की 10 किलो की ऐसी भी पैकिंग करते होगे, जो उसको आसानी रहे ले जाने में। अब तो हम लोग इसमें आपके जनरल ट्रेड में भी आ गए हैं जी, कि जिससे कि लोगों का पैसा फंसता था जी, जो बाहर भेजते थे आड़तों पे जी, मगर हम लोग आ गए हैं जनरल ट्रेड में। उनका पैसा, जैसे व्यापारियों का पैसा बहुत मर जाता है बाहर जी, तो हम लोग उनको पैसा पेड कर देते हैं व्यापारियों को। अच्छा, हम अपने स्तर से हम अपनी तरफ से हेल्प भी करते हैं, जैसे मान के चलो किसी जैसे आड़तिया लोड करने में, कंपनी जैसे लोड करने में उनका पैसा रुकता था मंडी में, तो हम उनको सहूलत देते हैं कंपनी के द्वारा, आप भेजो आपका पैसा नहीं रुकेगा, और पैसा रिकवर भी कराते हैं, और बहुत सारी सुविधा भी मिलती है, जैसे आड़ चला रहे हैं लोगों के पैसा भी मारेंगे जगह जगह, हम लोग उनको फंडिंग भी कराते हैं। मान के चलो जैसे कि बीच में पेमेंट करा दिया, 50% पहले दिलवा देंगे एडवांस, और उसके बाद क्या नाम है आलू बिकने के बाद उनको पैसा।
अच्छा 30 से 14 दिन। तो मतलब कंपनी की दुकान तो अपनी एक ही जगह होगी, कहीं की उनकी अलग अलग जगह दुकानें हैं? जितनी भी वेयर हाउस है सारे आईसीटी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जी, सारी जी। तो अभी क्या है कि जो बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए हैं हमने जी, सब बड़े बड़े शहरों में बनाए हैं, अच्छा। छोटे शहरों में नहीं बनाए हैं, इसमें इसके वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है, वो खरीदते हैं, ऑर्डर देते हैं, फोन पे सब काम होता है उनका, फोन से ही। अच्छा, जैसे जनरल ट्रेड करने के लिए जैसे हमारा जैसे बंदा है, जैसे हमने आलू भिजवाया दिल्ली जी, तो उसकी गारंटी वहाँ पे हमारा एक बंदा होगा वहाँ पे, जैसे कि यहाँ से रेट लेके जैसे ये आड़ती है मान के चलो सैलेंद्र जी, तो सैलेंद्र जी से आलू लिया वहाँ जाके दिल्ली भिजवाया जी, तो हमने रेट करके भिजवाया वहाँ पे, तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी वो बंदा वहाँ पे होगा आलू देखेगा कि किस रेट में आड़ती ने बेचा। अब पूरी कंपनी की जिम्मेदारी रहती है जनरल ट्रेड में, और पैसा नहीं फंसेगा आड़ती का किसी का, ये रूल रहता है जनरल ट्रेड में। और जो बेयर हाउस में जाता है तो उसमें हमारे बेयर हाउस होते हैं, बेयर हाउस तो कोल्ड स्टोर टाइप के होंगे ना आलू के लिए, कि मतलब सादा उसमें क्या है कि वहाँ जाकर वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी, पैकिंग होगी। अच्छा, मतलब अभी ये मतलब डायरेक्ट सेल में जाएगा, डायरेक्ट सेल में जाएगा। अच्छा, मुझे लगा कि मतलब जैसे कोल्ड स्टोर करके इसके बाद से नहीं, वो डायरेक्ट वहाँ जाके रीपैक होगा वहाँ धड़ाधड़ वहाँ हमारे लेबर्स ओके, और इसके बाद सीधा मॉल में पहुँच जाए वो। हाँ, जैसे हमारे ऐप होता है, जैसे मार्केट ऐप होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इस तरीके इनको ऑनलाइन मार्केटिंग की, मतलब जिसको 5 किलो 10 किलो जो भी चाहिए वो, मतलब अमेज़न से भी टैप कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट से भी कर लेते हैं, उनको भी जी स्विगी है ये सब। तो कंपनी का क्या नाम बताया आपने? हार्मेक। आप कौन सी कंपनी? उड़ान। अच्छा, दोनों लोगों की कंपनी अलग अलग है जी, 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 तो दोनों लोग सिर्फ आलू का ही काम करते हैं या एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर का कोई भी मार्केट चलो, किसी हर फील्ड में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग, कोई मक्का खरीद रहा, कोई मक्का है, कोई ज्वार है, कोई तुम्हारा वेजिटेबल के अलग है। अच्छा, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें जो खाने पीने की चीजें हैं, सब्जी टाइप या अनाज हो गया जो भी है, सब्जी या अनाज, फल फ्रूट वगैरह सभी। अच्छा, तो अभी आपकी कंपनी की मतलब खरीद क्या रेट में चल रही है आलू की? अभी सर कोई रेट निर्धारित नहीं है। हाँ, फ्यूचर ये देखा जा रहा था कि 600 रुपये बाजार खुलेगी, मगर जो यहाँ की कंडीशन है वो 700 तो नहीं 600 खुलेगी, उम्मीद है कि 700 से 750 बाजार जी। लेकिन कंडीशन तो बाजार की अब कम से कम 800 के ऊपर ही मानो। शैलेंद्र जी, आज क्या मतलब आज के हिसाब से कंडीशन 800 के ऊपर ही है ना? हाँ, 800 के ऊपर है। 800 के ऊपर छिले हुए आलू जो गड्ढ है वो 830 रुपए, 851 रुपए दीजिए, और बढ़िया छट्टा जो पके हुए 900 साढ़े 900। नहीं तो हम लोग पैकेट का दाम बता रहे हैं, पैकेट का बता रहे हैं, पक्के पे मार्च। अच्छा अच्छा, पैकेट बता रहे हैं आगरा के आलू की लोडिंग के टाइम पे। अच्छा, 600 रुपए पैकेट, 650 रुपए से 750 रुपए की पोजिशन पैकेट की रहे। आगरा में इस बार फसल की क्या पोजीशन है भैया, बताओ जरा? आगरा में फसल की ये पोजीशन है, फसल बढ़िया है, अभी तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत झोंका आया है जो बारिश हुई है उसकी वजह से जी। वैसे फिलहाल कंडीशन आल भी है पूरी तरह से जी, और कटाई 1 मार्च से लगने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें दवा ववा लाएंगे, रसमंदर में सूखता है वो धीरे धीरे। नहीं मतलब कुल मिला के कंडीशन अच्छी है ना? अच्छी है, कोई ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे जो फिरकाबाद में झुकता है जी, वो शिकायत नहीं है उधर। यहाँ आप जैसे आगरा से यहाँ चल के आए होंगे, रास्ते में बहुत सारे खेत दिखे होंगे आपको, तो यहाँ क्या दिखा आपको? यहाँ बेल किसी खेत में नहीं है, सारी बेलें खत्म हो चुकी हैं इधर, झुलसा है पूरा, क्योंकि हाइब्रिड है ना इधर ज्यादातर, क्योंकि किसी खेत में हमको बेल दिखाई नहीं। भाई ये लोग आगरा के हैं, इनके मुँह से सुन लो कि फरुखाबाद में क्या कंडीशन है। वैसे मैं बताता हूँ तो कुछ लोगों को ऐसा लग जाता है कि यार मैं हाइप क्रिएट कर देता हूँ, ऐसा है कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इस टाइम पे किसी खेत में आपको बेल साबित नहीं मिलेगी, शायद इक्का दुक्का कोई खेत हो ऐसा, एक आध कोई तो उससे क्या होता है, खेत में हो उसमें से एक आध में थोड़ी बहुत है, नहीं बेल है ही नहीं, बेल तो खत्म, बेल तो बिल्कुल खत्म ही है। हाँ, अभी ये जो 4 दिन पहले पानी बरसा था ना, इससे ज्यादा इफेक्ट हुआ, पहले वाले में तो परपरा था, और जो अभी गंगा पार क्षेत्र है ये कहाँ से है? अच्छा, हरपालपुर की तरफ। अच्छा, तो आपके उधर क्या कंडीशन है इस टाइम पे? है लेकिन कम है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो भी खरी है ज्यादा।
अच्छा मतलब यहाँ से कम है? अच्छा झुलसा मतलब कहीं कहीं ज्यादा है कहीं कहीं कम है ऐसा है तो मतलब यहाँ। और जैसे आप हरदोई से यहाँ आए होंगे तो इधर तो आपने देखा होगा यहाँ क्या कंडीशन है। हमारे यहाँ आलू जो था सैलाबी इलाका था इसलिए बाद में गड़ा है। बाद में गड़ा है अभी उतना दिन का टाइम भी नहीं हुआ है जो झुलसा वाली पोजिशन आ पाए जी। तो बात हमारी हमारे यहाँ जो सैलाबी इलाका हुआ ढाई महीने का आलू हुआ ढाई महीने का अभी खुदाई हो रही है तो कैसा खुदाई जो हो रही है वो तो तीन महीने हो गए उनकी हमें बहुत चलाए और तीन महीने का हो गया वो क्या करते हैं कभी निकला आपका वो ऐसा करीब पचास सकते पिछले साल कैसा निकला था किसी का यही कंडीशन बता रहे पिछले साल से कम है प्रोडक्शन ज़्यादा है प्रोडक्शन उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी हमारे कौन सा उस एरिया में कम है जहाँ जो हाथ बात हो रहा है कौन सा आलू बोलते हो आप मेरे पास तो प्रोडक्शन पिछले साल से ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये भी तो बता रहे हैं कि इनके यहाँ झुलसा नहीं है ये बता रहे हैं इनके यहाँ झुलसा नहीं है कम टाइम लगा हुआ है नहीं जैसे हमने वहाँ पर जो आए हमने देखा है उसमें तो इनका हरदोई एरिया पड़ता है गंगा पार। हाँ वो इनका यहाँ से करीब करीब मतलब मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के आसपास होगा 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर हाँ हरदोई गंगा पार में गड़ाई हुई लेट किलोमीटर पड़ेगा हुआ है तो घूम के जाएंगे तो 75 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ घूम जाना तो घूम के ही पड़ता है बन रहा है तब वैसे तो कार्यक्रम का चालू है उसी वैसे तो भाई सवाईजपुर होके जाना पड़ेगा ना अल्लाहगंज गुल्लापुर चौराहे से रूपापुर होते हुए तो 75 किलोमीटर पड़ जाएगा यहाँ से तो इनका क्षेत्र पड़ता है गंगा पार। इनके यहाँ ये बता रहे झुलसा नहीं है तो इनके यहाँ प्रोडक्शन अच्छा भी हो सकता है। नहीं हमने यहाँ जो देखा झुलसा वाले उनमें तो नहीं इतना प्रोडक्शन निकलेगा इनमें तो फर्क पड़ेगा थोड़ा बाद वाले प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा उसमें कम होगा बाद वाले में लग जाएगा उसमें जो नमी ज्यादा है उसमें प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा जी जी। और इधर अभी मतलब वही गंगा पार में लेट गड़ाई हुई है तो वहाँ पे अभी झुलसा नहीं बताया गया कि वहाँ पे झुलसा नहीं के बराबर है अभी है तो शुरुआत मतलब जहाँ जहाँ भी तराई एरिया था वहाँ पे लेट गड़ा है आलू लेट गड़ा तो वो अभी मंडी में आ भी नहीं रहे हैं शुरू भी नहीं हुआ उनका तो अभी। वैसे अब तक अमृतपुर का आलू आने लगता था 37-97 लेकिन यहाँ पे 37-97 बिल्कुल नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे हाइब्रिड ज्यादा आ रहा है हाइब्रिड ही होता है यहाँ पे फरुखाबाद में सबसे ज्यादा हाइब्रिड कोई 37-97 सिर्फ एक बेल्ट है अमृतपुर वाली अमृतपुर वाले लोग 37-97 करते हैं तो उनका आलू लेट गड़ा है तो वो अभी तैयार नहीं हुआ तो अमृतपुर का ही आलू आता है सिर्फ 37-97 और यहाँ पे लोकल का जितना भी है वो सारा जो है हाइब्रिड होता है और हाइब्रिड के अलावा दूसरा होता है तो वो चिप्सोना वगैरह होता है। अब चिप्सोना मंडी में बिकता नहीं है चिप्सोना आदमी कोल्ड में रख के ही बेचता है। जी आपके यहाँ कितने क्या तारीख का क्या नवंबर का आलू लगा हुआ है? हमारा ये चार नवंबर तो आगरा और यहाँ बराबर ही है मान के चलो हमारे यहाँ पे भी एक नवंबर से हमारे यहाँ पर चार नवंबर को लेट हुआ 25-26 नवंबर 25 नवंबर का। अच्छा जो मतलब जिन खेतों की क्या कहते हैं बढ़िया क्या कहते हैं वोट लगी तो वो 4 नवंबर और बाद बाकी खेत 25 नवंबर को सैलाब का पानी नहीं गया। अच्छा पिछले साल से एरिया बढ़ाया आपके यहाँ पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है परसेंट कम है ना गंगा पार में गड़ाई कम है इधर जो बाड़े का एरिया जो पड़ता है उसमें गड़ाई कम नहीं है और गंगा पार में बहुत सारे खेत ऐसे रहे जो मतलब जो ज्यादा खाली पड़ते हैं उनमें महीनों पानी भर रहा है पूरा सैलाब आ गया आलू बैगन बीज का घर के सड़ गया है नहीं चलिए ठीक है साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।